नमस्कार, आप देख रहे हैं माय एजुकेशनल वीडियो हिंदी यूट्यूब चैनल। आज से तलाक 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 खत्म, 6 महीने में संसद बनाएगी कानून। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की बैच में 3 जज 3 तलाक को असंवैधानिक बताता है और 2 जज इसके पक्ष में थे। 5 में से 3 जजों ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया। चीफ जस्टिस खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने संवैधानिक कहा। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने 3 तलाक पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 6 महीने में संसद बनाए कानून। कोर्ट ने उम्मीद की जताई है कि केंद्र जो कानून बनाएगा उसमें मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून संबंधी चिंताओं का ख्याल रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 महीने में कानून नहीं बनाया जाता है तो तलाक पर कोर्ट का फैसला आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने इस्लामिक देशों में 3 तलाक खत्म किए जाने का हवाला दिया और पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को किनारे रखकर 3 तलाक के संबंध में कानून बनाने में केंद्र की मदद करने को कहा। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 3 तलाक पर कानून बनाए। चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने कहा है, तलाक असंवैधानिक नहीं, यह संवैधानिक के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ है, लेकिन 5 जजों की बैच ने 3 जजों ने इन्हीं से असंवैधानिक किया है, तो अब ये 3 तलाक खत्म हो जाएगा और केंद्र इस पर कानून बनाएगा और आज से 3 तलाक से आज़ादी मिलेगी मुस्लिम महिलाओं को। धन्यवाद।